हेलो एवरीवन आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल सिविल स्पॉटलाइट और आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम और बीट लॉ की शो की अगेन मेथड ऑफ एनालिसिस यानी कि मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका एक पार्ट है और ये लेक्चर है थ्री इसका पार्ट फोर दिस इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ्यूचर मैन आई हमर टू हेल्प यू फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन सिविल इंजीनियरिंग ओके सो जो ये दो पोर्शन है मैंने डिसाइड किया कि ये दोनों पोर्शन में एक साथ कराऊंगा एक तो ब्रिटिश लॉ और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल मैक्सवेल रेसिप्रोकल थियोरम या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन इसके नाम से भी इसको जाना जाता है या मैक्सवेल रेसिप्रोकल थियोरम के भी एक सिंपल सिंपल जो लैंग्वेज uh, है वो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है इफ़ इन एनी बीम और ट्रस मैंने वर्ड लिखा है एनी बीम और ट्रस मैंने कोई भी फ्रेम व्रेम नहीं लिखा है इसलिए मैंने अंडरलाइन किया है कि बच्चे कन्फ्यूज आते हैं कई बार फ्रेम में भी इसको लगाने पड़ते हैं और वो एंड ऑफ द जब वो सॉल्व करते उसको काफ़ी एंड करते कन्फ्यूजन के साथ सो इसलिए मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है कि इट इज़ फॉर बीम एंड ट्रस्ट डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट डी ड्यू टू लोड डब्ल्यू एच सी ये कोई बीम है हमें हाँ डिफ्लेक्शन निकालना है यहाँ पे जो डेल्टा डी दिया है लोड कहाँ पे सी पॉइंट पे है डब्ल्यू और सी पॉइंट पे उसका डेल्टा सी हुआ है ओके व्हेन सेम लोड ये वर्ड है देखो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के लिए कि सेम लोड व्हेन सेम लोड यहाँ पे क्या लगाया था डब्ल्यू लगाया हुआ था तो सेम लोड डब्ल्यू इज प्लेसड एट डी अब मैंने उसको उठाकर डी पे रख दिया है देन द डिफ्लेक्शन एट सी बी डेल्टा सी इसकी वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आया वो डेल्टा सी आया देन एज पर मैक्सवेल रेसिप्रोकल रेसिप्रोकलथियोरम जो डेल्टा डी है और ये जो डेल्टा सी है ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे यही मैक्सवेल रेसिप्रोकल थियोरम है यानी कि लोड लगाया किसी ऐसे पॉइंट जहाँ पर लोड नहीं लग रहा है वहाँ देख लिया फिर जिस पॉइंट पर देखा था वहाँ लोड लगाया और जहाँ पर पहले था उस पॉइंट पर देख लिया और जहाँ तो ये दोनों की जो डिफ्लेक्शन होगा ये क्या होगा इक्वल होगा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिल जाता है वो क्या है एप्लीकेबल टू डिटर्मिनेट एंड इन बीम्स वापस मैंने लिखा है वर्ड बीम्स और यहाँ ट्रस आ ही चुका है ध्यान रखना ये ट्रस और बीम के लिए है और ज़्यादा फ्रेम व्रेम मत यूज़ करना इसको वैसे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का एक प्रैक्टिकल हेल्प जो मिलेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में वो मैं आपको यहीं दिखा दूंगा और उसी तरीके से आपको हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छा जनरली ये कैंटिलीवर बीम में बहुत हेल्पफुल होते हैं ये वाला जो थ्योरम है इसका जो एप्लीकेशन है ये वाला ये बड़ा यूजफुल हो जाता है कैंटिलीवर में कि न्यूमेरिकल हम ईजी से ईजी और मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सके कैसे देखो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है इसके ऊपर तुम्हें पक्का एक न्यूमेरिकल मिल जाएगा तो तुम इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे कि फाइंड द डिफ्लेक्शन एट डिस्टेंस एल बाय टू फ्रॉम फिक्स्ड एंड व्हेन लोड इज़ अप्लाइड एट फ्री एंड हमने लोड लगाया डब्ल्यू फ्री एंड पे एल बाई टू पर मेरे से डिफ्लेक्शन पूछ लिया यहाँ मैंने एल बाई टू लिखा जान बुझे कई बार आपको वो एल बाय थ्री पर भी दे सकता है टू एल बाई थ्री पे किसी पे भी पूछे और लोड यहाँ पे ये क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है अपन ने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में पड़ी हुई है अगर मैं आई क्यू लगाऊँ मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में तरीके बताए थे उन तरीक़ों में से एक अगर हमारा लोड सी पॉइंट पर लगा होता तो कैसे होता ये जो ए से सी तक तो मैं इसको कैंटिलीवर मान के डिफ्लेक्शन निकाल देता प्लस ये जो सी से बी है ये सिंपल एक रॉड की तरह है। जो रोटेशन एट सी होगा उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर जाएगी और हम ये डिफ्लेक्शन निकाल के इस वाले में ऐड कर देंगे ये कंसेप्ट मैंने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में अच्छे से समझाया है तो हमें पता है कि डेल्टा सी ये जो डेल्टा सी है ये ड्यू टू लोड एट बी है ये बी पे लोड लगाया तो मैंने इसको कहा डेल्टा सी अब मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है यही सेम लोड उठा के तुम दूसरी जगह लगाओगे तो ये जो डेल्टा सी और ये वाला जो डेल्टा बी है आपस में बराबर होगा यही मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम था तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम को उठाया यहाँ W लगा दिया तो यहाँ यहाँ पे लोड लगाने की वजह से यहाँ जो डिफ्लेक्शन हुआ है वो डेल्टा B में मैंने लिख दिया वही डेल्टा B और ये वाला डेल्टा C आपस में क्या हो गए बराबर हो गए इसको सॉल्व करने का एक तरीका है हम जाके कॉन्जुगेट बीम से कर लें या मोहर्स मैथड से कर लें अब उसमें थोड़ा सा तो टाइम कंज्यूम होता ही होता है अभी हम मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम से देखो एक मिनट में काम हो जाएगा कैसे अमिर को तो पता था ये डेल्टा बी और वो डेल्टा सी बराबर है तो मैं ये डेल्टा बी निकाल देता हूँ ये निकालना तो कोई काम बहुत हार्ड नहीं है मेरे लिए यहाँ से यहाँ तक ये क्या है एक सर कैंटिलीवर है और एल बाई टू है इसका डिफ्लेक्शन क्या होगा यहाँ पर डेल्टा सी हो जाएगा सर ये मैंने लिख दिया ये लिख दिया और यहाँ इसके बाद ये जो सी बी है ये पोर्शन इस लोड के अंदर सिंपली जो थीटा सी है उसके अकॉर्डिंग रोटेट करके डिफ्लेक्ट हो जाएगा क्योंकि अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर का कंसेप्ट से जानते हैं ये थीटा सी इन एल बाई टू हो गया तो टोटल डिफ्लेक्शन जो डेल्टा बी का वो क्या हुआ डेल्टा सी जो कि ये पोर्शन है प्लस ये पोर्शन ये पोर्शन क्या है थीटा सी इन टू एल बाई टू काम हो गया यार ये तो बहुत आसानी से काम हो गया तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या है यहाँ के लिए आप कहोगे सर डब्ल्यू एल बाई टू का होल क्यूब क्योंकि लेंथ नहीं डब्ल्यू एल क्यूब बाय थ्री ई आई होता है लिख दिया और थीटा की वैल्यू क्या होती है टू ई आई डब्ल्यू एल क्यूब यहाँ एल की वैल्यू क्या है एल बाई टू के बराबर है एल डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय टू ई आई ये तो हो गया थीटा सी अब ये जो है लेंथ एल बाई टू था तो मैंने एल बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया सीधे इसको सॉल्व कर दिया मुझे सीधे डिफ्लेक्शन मिल गया सी पे जो कि अब इसका बी भी होगा फाइव बाई फोर्टी एट डब्ल्यू एल क्यूब बाई आई देख रहे हो एक लाइन में कैसे सॉल्व हो गया तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कई बार बहुत हेल्प करती है टू सॉल्व द क्वेश्चन बस थोड़ी सी आंखें खुली रखने की ज़रूरत है अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप ये न्यूमेरिकल वर्क फॉर्म में कराए हैं मैंने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं उसमें कही कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में क्योंकि तो जब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में मैंने रेसिप्रोकल थ्योरम नहीं पढ़ाई थी इसलिए मेरी मजबूरी थी कि मैं आपको बोलूँ कि इसको आप करें कंजुगेट बीम से या मोहर से बट अब मैंने बता दिया तो अब आप जब भी देखें ऐसे क्वेश्चंस को कैंटिलीवर वाला जो फिक्सड एंड है और पूछता है कहीं बीच का तो उसको बीच पे ले जाएं वो जो भी पॉइंट है वहाँ ले जाएं उसका डिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन का इफेक्ट और निकाल दें ये ज़्यादा बेटर आइडिया है तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो बेसिकली ये मैंने इन जनरल बता दिया इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनको देख लेना अब क्वेश्चंस तो यही मिले मुझे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैक्सवेल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही मिला बाकी सब में तो डायरेक्ट डेफ़िनेशन ही पूछ लेते हैं कि मैक्सवेल की डेफिनेशन क्या है ए बी सी डी या असरशन दे देते दे हैं फिर रीज़न दे देते दे हैं इनमें से बताओ कौन सा सही तो मैक्सवेल के उसी टाइप के क्वेश्चन थे एक ये प्रैक्टिकली बेस्ड क्वेश्चन था तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया है अब बात करते हैं बेटीज़ लॉ की बेटीज़ लॉ क्या है बेटीज़ लॉ एक्चुअली वर्चुअल वर्क डन के कंसेप्ट बेस्ड है इसमें मैंने कोशिश की है कि बुकिश लैंग्वेज की बजाय थोड़ा अपनी सिंपल uh, लैंग्वेज में लिखूँ तो मैंने लिखा है वर्क डन या कहूँ वर्चुअल वर्क डन बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस या पी वन पी टू अपू पी एन ये पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं ड्यूरिंग डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्यू वन क्यू टू अपू अप टू क्यू एन क्यू वन क्यू टू अपू क्यू एन इज इक्वल टू वर्चुअल वर्क डन बाय क्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेस ड्यूरिंग डिस्टॉर्शन कॉज्ड बाय पी सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये जो लैंग्वेज है बुक वाली समझ नहीं आती बिना इसके रिप्रेजेंटेशन के तो ये क्या है देखो ये P, P2, P3 अप टू Pn जो भी फोर्स लगाओगे इस वजह से जहाँ Q लगना है जहाँ Q लगना है वहाँ पे डिफ्लेक्शन है Y1, Y2, Y3 अब यहाँ पे Q सिस्टम ऑफ फोर्सेस लगा दो तो यहाँ पे जो P है जहाँ P लगाया था वहाँ के अंडर डिफ्लेक्शन हुआ X1, X2, X3 तो बेटी कहता है पी वन एक्स वन पी टू एक्स टू पी थ्री एक्स थ्री बराबर है क्यू वन वाई वन टू वाई टू क्यू थ्री वाई थ्री के बराबर है लोगों को बाय ग्राफ अच्छे से समझ में आती है इसलिए मैंने ये ग्राफ बना के यहां पे लिखा हुआ है अब आपको बेटी लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली और एक दो क्वेश्चन तो इतने अच्छे हैं कि आप सोचेंगे हाँ बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है तो उनमें से कुछ कोशिश की है मैंने 25 इयर्स ऑफ गेट ई और एस एस जेई से उठा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां डिस्कस कर सकूं जैसे कि इन फिगर एक्स वाई एंड जेड ठीक है इन फिगर एक्स वाई एंड जेड आर डिफ्लेक्शन अंडर ए बी सी ड्यू टू पी एंड क्यू पी और क्यू की वजह से जो डिफ्लेक्शन है ए बी सी के अंडर वो क्या है एक्स वाई जेड है एंड एक्स डैश वाई डैश जेड आर डिफ्लेक्शन अंडर ए बी एंड सी ड्यू टू पॉइंट लोड एट सी ठीक है डिफ्लेक्शन एट जेड वुड बी जैड बताना है ठीक है मैं इसको पहले ग्राफिकली बताता हूँ तो अच्छे समझ में आएगा पी और क्यू की वजह से एक्स वाई जेड ये हो गया अब आपने Z के ऊपर वन ना लगा दिया तो इसकी वजह से एक्स एस वाई डैश जेड डैश अब हमारा बेटीज लॉ क्या कहता है बेटीज़ लॉ कहता है सर P इंटू एक्स डैश क्यू इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू सी का जो ये डिफ्लेक्शन है यानी कि z इंटू वन तो दिस इज़ वॉट आई गॉट Z इज इक्वल्स टू पी एक्स डैश प्लस क्यू वाई डैश आया कि नहीं आया समझ में दिस so, इज द एप्लीकेशन ऑफ बेटीज़ लॉ इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे क्योंकि तो वो आपको कई बार इसको 10 किलो न्यूटन दे देंगे दे दे दे, इसको 20 किलो न्यूटन दे देंगे दे, पूछ लेंगे यूनिट लोड लगा दूँ तो बताओ उसका डिफ्लेक्शन सी के नीचे कितना हुआ होगा तो वो चीज़ निकालने के लिए आप इसका यूज़ करें आपको इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड दो तीन न्यूमेरिकल मिलेंगे तो मैंने सोचा इन जनरल एक्स वाई जेड की टर्म में कर देता हूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा देखिए टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला अब एक और क्वेश्चन देखते हैं सर्शन रीजन का क्वेश्चन था फॉर टू सिस्टम ऑफ लोड्स अप्लाइड सेपरेटली टू द बीम एज शोन ओके इक्वेशन फॉर अनोन डिफ्लेक्शन डेल्टा यूजिंग रेसिप्रोकल थ्योरम इज डेल्टा इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई एक बार बताओ जो रेसिप्रोकल थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग अगर ये W बाई टू है ये W बाई टू है तो W बाई टू डब्लू बाई टू चलो मैंने मान भी लिया सेंटर में लगा दिया इसलिए इसने W लिख दिया हुआ ओके okay, सर मान ली बात तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कहता है ये वो तो ये कहेगा ना कि ये जो डेल्टा है और ये जो वाई है ये बराबर हो सकते हैं तो ये तो नहीं कहने वाला है कि जो ये दिया हुआ है डेल्टा इज इक्वल्स टू तो डब्ल्यू इन वाई ये तो नहीं कहने वाला है वो रेसिप्रोकल थ्योरम पैसीप्रोकल थीरम तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के पॉइंट्स को बराबर करता है तो असरशन तो आपको क्लियरली गलत ही हो गया इक्वेशन फॉर अन डिफ्लेक्शन डेल्टा फ्रॉम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर डिफ्लेक्शन एट एटमिट्समेंट बिल्कुल गलत इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने जाओगे ये डेल्टा कहाँ से आ गया ये तो डब्ल्यू इन टू डब्ल्यू वाई कहाँ से आ गया ये वाई ये रहा और ये डब्ल्यू ये रहा मेरे को तो इसके नीचे का डिफ्लेक्शन चाहिए ना वो उससे मल्टीप्लाई होना चाहिए इन्फ्लुएंस लाइन में तो हम देखते हैं जहाँ पॉइंट लोड लगा है उसके नीचे का ऑर्डिनेट चाहिए उसके नीचे का तो ऑर्डिनेट ही नहीं और वो डेल्टा के बराबर क्यों होगा वो तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बराबर होगा यहाँ इसके अगेंड नीचे कोई वो नहीं है लोड नहीं है तो ये तो कभी भी नहीं होने वाला है इसीलिए इसका आंसर कुछ भी नहीं है और ठीक है सो so, इसका कुछ भी आंसर नहीं है ए बी सी डी में से सो so, मैंने सोचा एक बार बता दूँ कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते जो रॉन्ग होते हैं तो ये कुछ वो क्वेश्चंस थे बेटीज़ लॉ और इसके कि मुझे लगा बात करनी चाहिए स्पेशली ये वाला क्वेश्चन कि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हों तो चाहे आप इसमें चाहे बेटीज़ लॉ भी लगा लें आप बेटीज़ लॉ भी लगा लें तब जाके आपको कुछ ऐसा कुछ मिल सकता है कि W इंटू डेल्टा इज़ इक्वल्स टू Y इंटू डब्ल्यू बाई टू वाई इन डब्ल्यू बाई टू डेल्टा उसमें भी आपको यही मिलेगी अगेन बात कि W इंटू डेल्टा है सर और ये W बाई टू इंटू वाई इंटू टू है तो डेल्टा इज इक्वल्स टू वाई है मतलब फिर से वही मिल रहा है पर ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं मिल पाएगा तो कोई मतलब नहीं है इस पर्टिकुलर सेक्शन का इस तरीके से देखने का तो अगला जो मेथड है वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसके बारे में मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा तो ये स्पेशल लेक्चर था डेडिकेटेड फॉर बेटीज लॉ एंड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम तो इससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल ज़रूर देखें एंड और नाउ जैसा मेरा मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की कि मैं हर एक टॉपिक पे एक अलग अलग वीडियो बना के सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करूंगा तो मैंने वो कवर किए हैं बाकी एक बार आप ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल यू विल फाइंड इट दे आर डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड और एक दो ही थे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता था जिनमें तो वो मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया सो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू हैज टू सब्सक्राइब दिस चैनल शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और जो अगले टर्म पे है हम व्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी न्यूमेरिकल्स मैंने चूज़ किए हैं वो करेंगे फिर स्लोप डिफ्लेक्शन करेंगे इस तरीके से मैथड ऑफ एनालिसिस को एंड करेंगे तो टिल देन टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय